हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो। तिहारी शीघ्र राजवैद्य को बुलाकर लाओ। सुशीला महाराज, इसे औषधि की नहीं प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं अभी जाकर गंगा मैया से सुशीला को मांगती हूँ। सुशीला, सुशीला आंखें खोलो। सुशीला, सुशीला आंखें खोलो। सुशीला महाराज, सुशीला आंखें खोलो। सुशीला, राजवैद्य, राजवैद्य, इसे बचा लीजिए। राजवैद्य, इसे बचा लीजिए। सुशीला, सुशीला, सुशीला आंखें खोलो। सुशीला, सुशीला, सुशीला। गंगा मैया, मुझे दर्शन दो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे पाप नाशिनी, मेरी पुकार सुन लो, मुझे कृतार्थ करो। माँ, हे पतित पावनी, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो मैया। मैया, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मुझे अपना नहीं, सूर्यवंश का कल्याण चाहिए। मुझे, मुझे सुशीला का कल्याण चाहिए। मैया, उसे बचा लीजिए। सुशीला को बचा लीजिए मैया। पुत्री, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कैसा कर्म मैया? क्या सुशीला ने कोई पाप कर्म किया है? नहीं मैया, सुशीला कोई पाप नहीं कर सकती, वो निष्पाप है मैया। निष्पाप तो तुम हो नंदिनी। मैया, इस समय सुशीला का जीवन सुरक्षित नहीं है, उसे बचा लीजिए। चाहे तो मेरा पुण्य बल, तपोबल उसकी झोली में डाल दीजिए, किंतु सुशीला की रक्षा कीजिए मैया, उसकी रक्षा कीजिए मैया। तथास्तु मैया। तुम साक्षात ममता की मूरत हो नंदिनी। तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री
जिस कुल की वधु हूं उस कुल का भविष्य अंधकारमय तो हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो स्वयं सुशीला को बचा सकती हो। मैं? हाँ, तुम्हारी तपस्या इतनी महान है कि तुम्हारे आवाहन पर स्वयं सर्पराज आकर सुशीला के शरीर में फैलते हुए विष को पी जाएंगे और उसे जीवन दान मिल जाएगा। मैं अनुग्रहित हुई मैया, मैं अनुग्रहित हुई। फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ नंदिनी, भविष्य में झांकने का प्रयास करो, मृत्युदाता के लिए जीवनदाता बनने का प्रयास मत करो। तुम्हारा कल्याण हो मैया। सुशीला आंखें खोलो, सोना मत सुशीला, आंखें खोलो सुशीला, सुशीला सुशीला आंखें खोलो सुशीला, सोना मत, सोना मत। वैद्यराज, मैं प्रयास कर रहा हूं महाराज। विष बहुत भयानक है, इस औषधि का प्रभाव पड़ना तो चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है सुशीला, तुम ठीक हो जाओगी। गंगा मैया का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे सर्पराज, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, यदि मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता हूं, यदि मैं सूर्यवंश का कल्याण चाहती हूं, तो हे सर्पराज सुशीला को सर्प दंश से बचाइए, आकर इसका विष चूस लीजिए। सुशीला सुरक्षित है, सुशीला ठीक है युवराज। नारायण नारायण, प्रणाम गंगा मैया। आप भी मैया कभी किसी की भलाई बुराई की ओर ध्यान ही नहीं देती। इतना कोमल हृदय है आपका कि जिसने आपको प्रणाम कर दिया आशीर्वाद के साथ उसकी मनोकामना भी पूरी कर दी आपने। किसकी बात कर रहे हैं आप देवर्षि? मैया आप ही कहती हैं ना कि मानव को उसका कर्म फल अवश्य मिलना चाहिए। क्यों, आज तक किसी उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं मिला है? आपने सुशीला को फिर से जीवित कर दिया मैया। मैंने नहीं देवर्षि, सर्पराज ने उसको विष से मुक्त किया है। नंदिनी को सर्पराज का मार्ग किसने दिखाया? आपने। नंदिनी ने सुशीला को नया जीवन तो दे दिया, किंतु किंतु सुशीला नंदिनी के प्रति क्या कृतज्ञ रहेगी? क्या वो उसे महारानी बनने देगी? क्या नंदिनी के पुत्र को अयोध्या नरेश बनता देख पाएगी वो?
हम भविष्य की सोचने वाले कौन है देवर्षि? देखो भविष्य क्या द्वार खोलता है सुशीला के लिए। नारायण 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 नारायण। अरे अरे सुशीला, ये क्या कर रही हो? आज से सुशीला आपकी दासी हो गई दीदी। नहीं सुशीला, फिर कभी ऐसी बात मत कहना, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। आपने मुझे नया जीवन दिया है दीदी, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। मैंने नहीं, गंगा मैया ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। किंतु जो कुछ हुआ है आप ही के कारण हुआ है, और मैं आजन आपकी ऋणी रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने महारानी नंदिनी के प्रति अपना विचार बदल लिया है? नहीं सुंदरी, कथनी और करनी में अंतर होता है। मेरा विचार मेरा प्रण है। अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी वही होगा जिसे मैं जन्म दूंगी। महारानी नंदिनी पर तो यही प्रभाव रहना चाहिए कि मैं उनकी भलाई चाहती हूं। सर्प ने मुझे धोखा दिया है, किंतु अब मैं धोखा खाने वाली नहीं। मुझे महारानी नंदिनी का गर्भ नष्ट करना ही होगा, और मैं अवश्य करूंगी, अवश्य। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, आपके दर्शन पाकर सचमुच मेरा कल्याण हो गया। पुत्र बाहुक, इस समय तुम मेरे वंश के प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। सतर्क? किस बात से प्रभु? पुत्र, प्रभु ने मानवीय सृष्टि का निर्माण पृथ्वी लोक का विकास करने के लिए किया है। इस विकास में दुष्ट दुराचारी अधर्मी बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उनकी महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा के कारण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध? प्रत्यक्ष शत्रु से तो संभला जा सकता है, परंतु अप्रत्यक्ष शत्रु जब विद्रोह करते हैं तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने आप को बलहीन पाता है। इसलिए सावधान रहो और उस षड्यंत्र का विनाश कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। सम्राट को दितुमान का प्रणाम। प्रणाम भी करते हो और शत्रुता भी? हमने आपको सामंत पद दिया, हमने आपको अभय दिया, और आप हमारे ही राज्य में हमारी ही प्रजा के साथ अत्याचार करते हैं। कर के नाम पर राजकोष में आज तक आपने क्या दिया? उल्टा हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचाने की प्रयोजना बना रहे हैं आप। इसका अर्थ जानते हैं आप? आप राजद्रोह कर रहे हैं, और राजद्रोह का दंड क्या होता है? मृत्यु। मैं
अपना अपराध मानते हैं? मैं आपके अधीन हूं सम्राट। आपको चक्रवर्ती सम्राट मानकर मैं आपके शरण में आया था। आपने कृपा करके मुझे अपना सामंत पद दिया, किंतु अपने राज्य में सिंहासन पर बैठकर भी मैं अपने राज्य का राजा नहीं रहा। कर प्रजा देती है सम्राट, राजा नहीं। तो आप कर देने के लिए ना कर रहे हैं? आप हमें सम्राट कहते हैं, मानते नहीं। राजा द्युतिमान, आज से हम आपको अयोध्या राज्य के सारे अधिकारों से वंचित करते हैं। आज से आप अयोध्या के सामंत नहीं रहे। महामंत्री। आज्ञा सम्राट। द्युतिमान की तलवार और राजमुकुट निकाल लिए जाए। जो आज्ञा सम्राट। द्युतिमान, हम चाहते तो तुम्हारे अपराधों का दंड, तुम्हारी मृत्यु होती। हमने केवल तुम्हारा राजपद तुमसे छीना है, इसे हमारी कृपा समझो और अपने आप को भाग्यशाली। हमें विवश मत करना कि भरे दरबार में हमें तुम्हारा सिर काट देने की आज्ञा देनी पड़े। जाओ। आपने सच ही कहा था महारानी, कथनी और करनी में अंतर होता है। कहना क्या चाहती है तू? आपने कहा था आप नंदिनी का गर्भ नष्ट करेंगी, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। तो ये शुभ कार्य कब करेंगी आप? अपने पुत्र को अयोध्या नरेश बनाना चाहती है ना आप? अवश्य। कल महारानी नंदिनी की गोद भराई मनाई जा रही है, उसे अपने हाथों से भोजन कराइए और भोजन में ये मिला दीजिए। ये विष है महारानी नंदिनी के भाग्य का सितारा, टूटकर गिर जाएगा और आपके भाग्य का सूर्य अपने राज सिंहासन को प्रकाशित करने के लिए, अपनी लालिमा इकट्ठी करने के लिए कल से ही व्यस्त हो जाएगा। महारानी सुशीला की जय हो। हाँ। सम्राट बाहुक ने जो अन्याय मेरे साथ किया, जिस प्रकार भरी सभा में मुझसे राजपद छीन कर मुझे लज्जित किया, उससे आपको नहीं लगता कि आप सब भी अपने अपने राज्य में राजा हैं? सम्राट बाहु की सभा में सब सामंत हैं और सामंत से अधिक कुछ नहीं। तो आप सब सामंत ही बने रहना चाहते हैं? क्या परतंत्रता को ही आपने अपना भाग्य मान लिया है? क्या आप इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते? क्या आपकी भुजाओं में क्षत्रिय बल नहीं रहा? रक्त के स्थान पर पानी भर गया उनमें? राजन ऐसी बात नहीं है, ना ही ब्रह्मा ने हमारे भाग्य मस्तिष्क पर दासत्व स्वीकार करना लिखा है और ना ही हमारी भुजाओं में रक्त के स्थान पर पानी भरा है। सत्य यह है कि सम्राट ने हम सभी राजाओं को एक एक कर पराजित करके हमें उनकी दासत्व स्वीकार करने पर विवश कर दिया है।
महाराज, विश्वकीर्ति ठीक कह रहे हैं। ये दास्ता हम सबके अलग अलग होने का ही परिणाम है। यदि हम आठों मिलकर एक होकर सम्राट से युद्ध करें तो ये दास्ता की बेड़ियां एक ही युद्ध में समाप्त हो सकती हैं और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके पश्चात हम सूर्यवंश शासित इस राज्य को अष्ट प्रधान राज्य में परिवर्तित कर देंगे। एक राजा के स्थान पर अष्ट प्रधान होंगे जो मिलकर शासन करेंगे और प्रजाओं का समान रूप से पालन करेंगे। किंतु महाराज शक्तिसेन तो अष्ट प्रधान की सभा में सम्मिलित नहीं हुए। वो अकेले ही निरंकुश राजा बनकर सूर्यवंशी साम्राज्य पर राज करना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? पराजित भी हुए और लज्जित होकर अपनी पुत्री को भी सम्राट के पुत्र को ब्याह में देनी पड़ी। उनको छोड़िए, हम साथ क्या कम है? एकता और सुव्यवस्था, इन दो गुणों के घोड़े पर चढ़कर अगर हम सम्राट बाहुक पर आक्रमण करेंगे तो उनको पराजित होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम सातों को शपथ पूर्वक ये संकल्प लेना होगा कि हम सब एक होकर अपने अपने स्वार्थ को त्याग कर सूर्यवंश की नाश की ओर अग्रसर होंगे। उचित है। अब संकल्प लो। समानी समानं मनः सह ओम।